हेलो फिजियोस, वेलकम बैक माय चैनल। आई एम नेहा एंड टुडेज लर्निंग अबाउट फॉर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। ये हमारा लास्ट वीडियो है जिसमें आज हम डिस्कस करें क्या जनरल प्रिकॉशन होते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के। जब भी आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देते हैं तो आपको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या इसके मसल सोनेस है, सिम्टम्स हैं, क्या बेनिफिट होते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारा ये लास्ट वीडियो है तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कीप द एम्बियंट टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर को बनाए रखना है, मेंटेन करके रखना है। टेम्परेचर हमारा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्लैक क्लॉथिंग फॉर एक्सरसाइज। जब भी आप एक्सरसाइज रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दे रहे हैं तो पेशेंट को आपको ध्यान रखना है कोई पेशेंट ने रिस्ट्रिक्टेड कोई क्लॉथिंग नहीं मतलब पहन रखा हो, जो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, सही से हम मूवमेंट नहीं करा पा रहे, एक्सरसाइज परफॉर्म अच्छे से नहीं हो पा रहा हो, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे कपड़ों को नहीं पेशेंट को प्रिफर करना है। एंड नेक्स्ट है कॉशन द पेशेंट दैट पेन शुड नॉट अकर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। पेशेंट को जब भी आप एक्सरसाइज करा रहे हैं तो पेशेंट को पेन नहीं फील होना चाहिए, आपको आराम से एक्सरसाइज देनी है। एंड यदि पेन हो रहा है तो आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ना ही दें। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट इनिशिएट रेजिस्टेंस एट ए मैक्सिमम लेवल। जब भी आप इनिशिएट स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देना तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड नहीं लेना है, मिनिमम लोड ही लेके एक्सरसाइज करानी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवॉइड यूज़ ऑफ हैवी रेजिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आपको हैवी रेजिस्टेंस नहीं देना है। एंड नेक्स्ट है डू नॉट अप्लाई रेजिस्टेंस एंड अनस्टेबल ज्वाइंट। कोई भी ज्वाइंट है जहाँ पर कोई फ्रैक्चर हुआ है, अनस्टेबल है, सही से वो काम नहीं कर रहा है, पेन है, तो आप वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैव द पेशेंट अवॉइड ब्रीथ होल्डिंग। मीन्स जब भी पेशेंट को आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट ने ब्रीदिंग होल्ड करके तो नहीं रखा है अपने, उसने लिपसिंग बंद करके तो नहीं रखा, जिससे क्या होगा यदि वो होल्ड करके ब्रीदिंग रखेगा तो उसे और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उसके लंग्स पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवॉइड अनकंट्रोल्ड बैलिस्टिक मूवमेंट। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पेशेंट का जो मूवमेंट है, बैलेंस है, वो किस टाइप से है। यदि अनकंट्रोल है, बैलेंस सही से नहीं हो रहा है, तो आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिवेंट इनकरेक्ट और सब्स्टिट्यूट मोशंस। हमें इनकरेक्ट जो भी ऐसे जो पोस्चर है पेशेंट का और कोई भी मोशन मूवमेंट जो कर रहा है पहले से, उन्हें हमें ध्यान देना है। और यदि इनकरेक्ट मोशन कर रहा है तो उसे हमें सही करना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रिस्क प्रिवेंशन ड्यूरिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। अभी जो हमने डिस्कस किया था वो प्रिकॉशन थे कि आपको एक्सरसाइज देनी है, उससे पहले आपको प्रिकॉशंस चेक कर लेनी चाहिए, पेशेंट की हिस्ट्री चेक कर लेनी चाहिए, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या हमें ऐसी एक्सरसाइज कौन कौन सी देनी चाहिए। पर अभी क्या हम देखने वाले हैं कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेशेंट कर रहा है एक्सरसाइज, तो उस टाइम क्या रिस्क हो सकते हैं, उन्हें आपको प्रिवेंट करना है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा कॉशन द पेशेंट अबाउट ब्रीथ होल्डिंग। मीन्स जब भी पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो आपको देखना है कि उसने ब्रीथ होल्डिंग करके तो नहीं रखा है। मीन्स ब्रीथ होल्ड करके रखेगा पेशेंट तो वो इनहेल एक्सहेल नहीं करेगा, उससे हमारा प्रेशर बॉडी का बढ़ सकता है और लंग्स में अफेक्ट हो सकते हैं, लोब हमारे डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आपको पेशेंट से बोलना है कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपको अपने नंबर्स काउंट करने हैं, आपने कितना नंबर्स एक्सरसाइज कर लिया, कितने सेट कंप्लीट कर लिए हैं, वो आपको काउंट करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ रिदमिकली काउंट और टॉक ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मीन्स जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको ब्रीदिंग रिदमिकली मीन्स रिदमिक टाइप से हमें काउंट करना है कितना हमने किया है कितना नहीं किया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हैव द पेशेंट एक्सहेल व्हाइल लिफ्टिंग एंड इनहेल व्हाइल लोअरिंग एंड एक्सरसाइज लोड। मीन्स जब भी पेशेंट लिफ्ट करता है, वेट को उठाता है, तो उसे एक्सहेल करना है। एंड जब भी पेशेंट लिफ्ट मतलब वेट लिया है उसे छोड़ता है तो उसमें पेशेंट को इनहेल करना है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है पेशेंट को कि आपको कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्ट्रिक्ट हाई रिस्क पेशेंट फ्रॉम डूइंग हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। मीन्स जो भी कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसको कोई पहले से ही पैथोलॉजी है एंड कोई भी इंजरी है, तो आपको उससे पेशेंट को ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का लोड नहीं देना है, हाई इंटेंसिटी का एक्सरसाइज नहीं कराना है, क्योंकि उससे और भी इंजरी हो सकती है, सॉफ्ट टिश्यूज हमारे वो और इंजर्ड हो सकते हैं, और कोई पैथोलॉजी है तो वो और स्प्रेड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक्सरसाइज करा रहे हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस साइन एंड सिम्टम।
मीन्स क्या होता है जब भी आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दे रहे हैं, एक्सरसाइज देने के बाद ऐसे क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट की बॉडी में। तो फर्स्ट हमारा है मसल सोनेस एंड एचिंग बिगिनिंग 12 to 24 hours आफ्टर एक्सरसाइज। मीन्स आपने एक्सरसाइज कराई है उसके बाद 12 to 24 hours के बाद पेशेंट को एचिंग देखने को मिल सकती है, पेन देखने को मिल सकता है, सोनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट को तो उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो टीयर्ड हो जाते हैं, टीयर्ड हो जाते हैं, उनके बाद उनको पेन होता है एंड उसके हीलिंग प्रोसेस में 24 hours या 48 hours का टाइम लग जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेंडरनेस विथ पालपेशन। जब भी आप पालपेट करके देखेंगे उस एरिया को तो वहाँ पे टेंडरनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। एंड नेक्स्ट हमारा है लोकल अडीमा विथ वॉर्म्थ, और लोकली छोटे छोटे पार्ट्स पे अडीमा देखने को मिल सकता है, और हमारा जो एरिया है वो वॉर्म होता है क्योंकि टेम्परेचर उस एरिया का थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा मसल स्टिफनेस हो जाती है एंड डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन ड्यूरिंग मसल सोनेस। जब सोनेस हो जाता है, अडीमा हो जाता है, पेन होता हो जाता है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो उस कम हो जाता है, जितना नॉर्मली होना चाहिए उससे कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं क्या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के। हमने प्रिकॉशन चेक कर लिए, हमने रिस्क जो होती है वो चेक कर लिया, क्या क्या सोनेस होते हैं वो भी देख लिया। हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखते हैं क्योंकि हमें कब एक्सरसाइज नहीं देनी है। सो फर्स्ट हमारा है पेन। मीन्स जब भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एक्यूट पेन है या क्रोनिक पेन है आपको ये भी पता करना है। एक्यूट पेन है या क्रोनिक पेन है तो उसमें आपको मूवमेंट नहीं कराना है, क्योंकि मूवमेंट कराने से और ज़्यादा पेन होगा। एंड नेक्स्ट है इन्फ्लामेशंस, किसी एरिया पे किसी भी जॉइंट पे इन्फ्लामेशन है तब भी आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज नहीं देनी है। एंड नेक्स्ट है सीवियर कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़। कोई पेशेंट आता है उसकी हिस्ट्री आपको लेनी है, यदि कोई उसे कार्डियक डिजीज़ है, कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ है, तो आपको वहाँ पे भी तब भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज नहीं देनी है। जैसे कि हो गया मायोपैथी, हो गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हो गया अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, हो गया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, एंड बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें कोई आपका जो पेशेंट है उसे और ज़्यादा मतलब चांसेस हो सकते हैं इसकी कंडीशंस को सीवियर होने के, इसलिए आपको अवॉइड करना है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देने के लिए। एंड आपको पेशेंट से पूछना है आप उसे कौन कौन सी डिजीजेज हैं, क्या है पैथोलॉजी है, क्या हिस्ट्री है उसकी, तो आपको सारा कुछ पहले से पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज कराएं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। हमने रेजिस्टेंस के बेनिफिट क्या होते हैं, हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देते क्यों हैं, तो हम ये देख लेते हैं। जैसे कि हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था इस मसल्स के बारे में, एंड हमने देखा था स्ट्रेंथ पावर एंड्योरेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का, मेरा मेन एम होता है हमारी मसल्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, इन्हांस करना है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, पावर को इंक्रीज करना है, एंड्योरेंस को इंक्रीज करना है। इसके हमने ट्रेनिंग भी डिटेल में डिस्कस की हुई है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एंड जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा इन्हांस मसल्स परफॉर्मेंस, नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट और मेंटेनेंस ऑफ मसल स्ट्रेंथ पावर एंड एंड्योरेंस। आपको इम्प्रूवमेंट करती है, मेंटेनेंस करती है हमारी स्ट्रेंथ एंड पावर एंड एंड्योरेंस। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज टेंडन्स एंड लिगामेंट। हमारे कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रेंथ करती है, उनके फाइबर्स को, जैसे कि हमारे जैसे कि हो गया टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्रीज ज्वाइंट स्ट्रेस ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, शाम को इवनिंग में आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आप बहुत कंफर्टेबली हल्का सा फील करते हैं, स्ट्रेस हमारी बॉडी का बहुत कम हो जाता है, ज्वाइंट का कम हो जाता है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है इम्प्रूव्ड बैलेंस। बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी। बोन की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए भी हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रेफर करते हैं। एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, आई मीन सॉफ्ट, हम जब एक्सरसाइज डेली हम एक्सरसाइज करेंगे, डेली फिजिकली एक्टिविटी करेंगे, तो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को टियर होने के चांसेस बहुत कम होंगे, इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड इन्हांस फीलिंग ऑफ फिजिकल वेलबींग, और हमारा जो फिजिकल वेलबींग हम बहुत अच्छा फील करेंगे, कंफर्टेबली फील करेंगे, एंड हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी बिल्डअप होगा, क्योंकि हमारा बॉडी फिजिकली हम मेंटेन है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल पर होता है। एंड नेक्स्ट है इम्प्रूव कैपेसिटी ऑफ रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ डैमेज सॉफ्ट टिश्यूज। एंड हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारे टिश्यूज बहुत फास्टली हील होने लगते हैं, रिपेयर हो जाते हैं हमारे सॉफ्ट टिश्यूज,
एंड ये सारे हमारे बेनिफिट्स थे, तो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है प्रिकॉशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के, एंड बेनिफिट्स देखे हैं, रिस्क देखे हैं, और क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं जब रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ये हमारा लास्ट वीडियो था रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का। यदि आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी क्वेरीज होती है और इस टॉपिक से लेकर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज टॉपिक से कोई भी क्वेरी होती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।